शांति 27/11/2022 अव्यक्त बापदादा पुनरावृत्ति 31/12/92 सफलता प्राप्त करिवार उपाय सबकिछ सफल कर। आज नवजीवन दाता तथा रचयिता पिता निजर नवजीवन निर्माण करुथिया पिला मानंकु देखुछ। यही नवजीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन नवजुगर रचना करने ही प्राप्त हो तो प्रत्येक ब्राह्मण आत्मार नुआ जीवन नुआ जुग आणी उद्दिष्ट जोठार सबकि नुआ ही नुआ प्रकृति मध्य सत्वप्रधान अर्थात नुआ दुनिया हिसाब से लोक मैंने नुआ वर्ष पालन करती नुआ वर्षर अभिनंदन दिखती बा परस्पर को नुआ वर्षर स्मारकी रूप से उपहार दिखते किंतु बाबा एवं तुम्हे पिला माने परस्पर को नुआ जुगर अभिनंदन देउछ सर्व आत्मा को खुशी खबर सुनाउछ जे एबे नवजुग अर्थात स्वर्णिम दुनिया सत्य जुग बा स्वर्ग आसिला के आसिला एही सेवा करुछ ना एही खुशी खबर सुनाउछ ना नुआ जुगर सुवर्ण उपहार मध्य देउछ। कौन उपहार देउछ अनेक जन्म पाई विश्व राज्य भाग्य यही सुवर्ण उपहार भितर सब प्रकार अनेक उपहार आसी जाउछि। जदि आज दुनिया रे केही केते भी बड़ बड़ बा बढ़िया रु बढ़िया उपहार देव तेबे भी कौन हेब देव जदि केही कहा को आज कालीर सिंहासन बा मुकुट मध्य दे दिए ताहा मध्य तुम मानकर सत्वप्रधान सुवर्ण उपहार तुलना रे कौन कहा किछि बड़ कथा कहा नवजीवन रचयिता बाबा तुम समस्त को यह अमूल्य एवं अविनाशी उपहार अधिकारी हो जाइना ब्राह्मण आत्मा मैंने सर्वदा अविनाशी निश्चर निशार कौन कही था विश्वर राज्य भाग्य आमर जन्म सिद्ध अधिकार तुम मानकर निशा रुचि ना केबे कमी जाऊँगी केबे बढ़ी जाऊँगी निश्चय मध्य अच्छी यह निश्चित मध्य अटे भविष्य यही अधिकार को कई टाणी पारे ना निश्चय बुद्धि आत्मा मानी भविष्य सुनिश्चित अटे तबे पूरा निश्चय अच्छी ना कि चिंता मध्य अच्छी किए जाने मालिक कि ना केवि संकल्प आसुच कि जदि ब्राह्मण अट तेबे यह सुनिश्चित अटे जे ब्राह्मण रु फरिस्ता और फरिस्ता रु देवता पक्का निश्चय अच्छी ना ना टिके हलचल मध्य अचल अटल निश्चय अच्छी तेब यही सुवर्ण उपहार बाबा तुम मान देखते तेणु तुम्हें मैंने कौन कर अन्य मान को देव अल्प कालर उपहार गुड़िक अल्प समय बीतीगला शेष हो जाए कि अविनाशी उपहार सब जन्म तुम मान सा रास्तविक पालन करवा तो नवजुग हेबा उचित किंतु यही संगम जुगर प्रत्येक दिन को ही पालन करवा उचित प्रत्येक दिन मौज रहिबा खुशी झुलण से झुलवा खुशी मौजरे नाचिबा तथा अविनाशी गीत गाइबा उचित से ब्राह्मण जीवन प्रत्येक दिन को पालन कर ब्राह्मण मानक प्रत्येक दिन उमंग उत्साह बढ़ाऊ उत्सव अटे से स्मारकी रूप से भारत अनेक स्मारकी पालन एकथा प्रसिद्ध अटे जे भारत वर्षर प्रत्येक दिन उत्सव पालन करवा योग्य अटे अन्य कौन सी स्थान रे एत्ते गुड़िए उत्सव पालन करा जाए ना जी एठारे हो तबे यह तुम्हें ब्राह्मण मानक प्रत्येक दिन को उत्सव पालन करने को ही स्मारकी अटे से तुम्हें नूतन वर्ष दिन टीका पालन कर जेबे कि नुआ वर्ष पालन करने आस तेबे कौन केवल ये गोटे दिन ही पालन कर प्रथम तारीख टी चलीगला पालन करवा शेष हो किंतु तुम्हें श्रेष्ठ आत्मा मानकर नुआ जन्म अर्थात ब्राह्मण जन्मर श्रेष्ठ राशि होउछि प्रत्येक दिन उत्सव एवं प्रत्येक दिन पालन तुम मानकर जातक लेखा हो तुम प्रत्येक दिन श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ हेब तुम ब्राह्मण मानकर श्रेष्ठ राशि होचे सर्वदा उड़ीबार कला को जीवा एमिति नुहे जे दुई दिन बहुत भल आ दुई दिन पर टिके फरक हो मंगलवार टी भल थी गुरुवार ताठर भल हो शुक्रवार विघ्न आसीज तुम मानक राशि यही अटे कि
ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ହେବ ତାହା ଆହୁରି ଭଲ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିବାର କଳା ରାଶି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ରାଶି ବଦଳି ଗଲା କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ନା। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଶିକୁ ଦେଖି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଦୁନିଆ ହିସାବରେ ଏହା ନୂତନ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବର୍ଷ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ କରୁଛ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବର୍ଷର ବିଶେଷ ସ୍ଲୋଗାନ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ବିଶେଷ ଆଧାର ହେଲା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସକୁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରିବା। ସଫଳ କରିବା ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଚାହେଁ ସଂକଳ୍ପରେ ବାଣୀରେ କର୍ମରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସଫଳ କରିଚାଲ, କିଛି ବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନ ଯାଉ। ଚାହେ ନିଜ ପ୍ରତି ସଫଳ କର, ଚାହେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଫଳ କର, ତେବେ ସୁତୋଇ ଭାବରେ ସଫଳତାର ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି କରିଚାଲିବ। କାହିଁକିନା ସଫଳ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜମା କରିବା। ଯେତେ ଯେତେ ଏହି ଜୀବନରେ ସମୟକୁ ସଫଳ କରୁଛ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମୟର ସଫଳତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସକୁ ସଫଳ କରୁଛ, ଏହାର ସଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସଦା ସୁସ୍ଥ ରହୁଛ। କେବେ ବି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ହାର୍ଟଫେଲ୍ ହେଉନା, ଏକ ଗୁଣା ବଦଳରେ ହଜାର ଗୁଣା ସଫଳତାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ସଫଳ କରିଚାଲିଛ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରୁଛ। ଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିବାନ ହେବା, ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହିଭଳି ବୁଦ୍ଧିବାନ ହେଉଛ ଯାହା ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନିଜେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିବାନ ହୋଇ ନିଜର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଉଛ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛ ବା ସଫଳ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର କମି ହେଉନାହିଁ। ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡ ଅଟଳ ତଥା ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାର ଅନୁଭବ କରାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଧର୍ମସତ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସତ୍ତା ଉଭୟ ଏକାଠି ରହିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ସର୍ବଗୁଣର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଭଳି ଗୁଣମୂରତ ହେଉଛ ଯାହାକି ଆଜି ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ଚିତ୍ରର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବତା ରୂପରେ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପର ମନନ ଚିନ୍ତନ କର, ବୁଝିଲ? ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତେଣୁ ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବର୍ଷରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସଫଳତାର ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବର୍ଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରୁଛ। ତେବେ ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯାହା ସ୍ନେହୀକୁ ପ୍ରିୟ ତାହା ସ୍ନେହ କରିବା ବାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ କାହା ପ୍ରତି ଥିଲା? ମୁରଲୀ ପ୍ରତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ମୁରଲୀ ପ୍ରତି ଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁରଲୀଧର ହୋଇଗଲେ ନା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁରଲୀଧର ହେବେ। ଯେହେତୁ ମୁରଲୀ ସହିତ ସ୍ନେହ ଥିଲା ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁରଲୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବଂଶୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥିଲା ତାହା ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିବା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ। କେବଳ କହିଲା ବାଲା ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଯାହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାହା ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ତେବେ କୁହାଯିବ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା, ନଚେତ୍ କୁହାଯିବ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିୟ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ନମ୍ବର ବାର ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କୁହାଯିବ। ତେବେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର ରୂପରେ ଦେଖାଇବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପାଳନ କରିବା, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା। ଯାହା ବି କର୍ମ କର ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅଟ ତ, ଏହା ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ତ। ତାପରେ ଯାଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ, ବାଣୀକୁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା
वाणी को मुख द्वारा कह एवं कर्म को कर्मेन्द्रिय गुड़िक द्वारा कर। प्रथम चेक कर तापर स्थूल रूप से कर। एमित नए भावित नी कि होगला ना। ब्रह्मा बाबा विशेषता विशेष भाव ये जहाँ भावुले करुले जदि नुआ ज्ञान होता कारण बहुत विरोध होता किंतु निजर सोमान स्मृति द्वारा शिव बाबा संगर समर्थ द्वारा दृढ़ता निश्चय रूपे शस्त्र द्वारा तथा शक्ति द्वारा निजर श्रेष्ठ स्थिति रूपे आसन उपरे सर्वदा अचल अटल रही थे। तेणु जो स्वस्थिति श्रेष्ठ अटे सेठारे विरोधी कौन कर बरं विरोध होगा द्वारा स्वस्थिति आहुरी मजबूत होता है हलचल हो न था जहाँ वास्तविक विजय होवार प्रमाण निजे तुम्हें मैंने ही अट एवं यह सहित चारिआड़ सेवार उन्नति प्रमाण अटे जो मैंने पूर्वर कहते से मैंने धमाल करला बाला अर्थात विशृंखला सृष्टि करुवा बाला अटंती से ही मैंने वर्तमान कहते जे मैंने कमाल अर्थात चमत्कार कर देखाई तेब यह किपर है विरोध भाव को निजर श्रेष्ठ स्थिति आधार समाप्त करदे तेरे यही वर्ष कौन सब कर जेपरी ब्रह्मा बाबा निजर निश्चय आधार आत्मिक निश्चय आधार निश्चित भविष्य निर्धार्य को जाणी गोटे सेकेंड में सबकि सफल करदे निजपाई रखि नार प्रत्यक्ष प्रमाण देखुच जे जीवन अंतिम दिन पर्यंत शर द्वारा पत्र व्यवहार द्वारा सेवा कर एवं मुख द्वारा महावाक्य उच्चारण कर अंतिम दिवस सम संकल्प तथा स्वर को सफल कर तेणु स्नेहर चिन्ह है सफल करवा एवं सफल कर अर्थ है श्रेष्ठ कार्य लगवा तेणु जिते बड़े तुम्हें माने सफलता लक्ष्य रख से व्यर्थ आपे आपे समाप्त होपरी आलोक उपस्थित अंधकार आपे आपे समाप्त हो जाता भाव जो अंधकार को किपर बाहर कर तबे समय एवं श्रम व्यर्थरे नष्ट तेणु एभली मेहनत कर ना आज क्रोध आसीगला आज लोभ आसीगला आज व्यर्थ कथा शुणीदेली कहीदेली कर्मरे होगला यही भाव भाव मेहनत करी हताश हो किंतु मते सफल करने को हे जदि यही लक्ष्य रख तेबे व्यर्थ आपे आपे समाप्त हो तेबे यही सफल कर लक्ष्य रखा अर्थात आलोक सृष्टि करने जहाद्वार अंधकार स्वत ही समाप्त हो बुझल अव्यक्त वर्ष कौन करने को हे बाप दादा देखिए जो नंबर वन प्रिय आत्मा कि नंबर वन हो कि नंबर बार हो समस्ते नंबर वन हेब डबल विदेशी कौन हे नंबर वन हे या नंबर वन कहवा तो बहुत सहज किंतु जदि लक्ष्य को दृढ़ रख तेबे लक्षण निश्चित आसीज कारण लक्ष्य लक्षण को आकर्षित करें परस्पर भितर योजना कर एवं विचार विचार विमर्श कर बाप दादा एवं भी खुशी अच्छा जदि समस्ते नंबर वन हो तेबे बहुत खुशी हे फास्ट डिविजन में माला तो लंबा चौड़ा अटे तेणु एथिरे आसी पारिबो फास्ट डिविजन में समस्त फास्ट होती तेणु यही नूतन वर्ष रे समस्त को नंबर वन हेबार अभिनंदन जदि व्यर्थ उपरे विन करिबो अर्थात विजयी हेबो तेबे वन हेबो विन न करिले वन होई पारिबो नहीं एबे मध्य व्यर्थर खाता बहुत जमा रही कहार संकल्प रे कहार वाणी रे कहार संबंध संपर्क रे एबे पूरा खाता समाप्त होई नहीं सेथिपाई केबे केबे बाहरी आसुची किंतु श्रेष्ठ लक्ष्य निश्चित भाव में निज लक्ष्य स्थल रे पहुंचाई दे थाए व्यर्थ को स्पष्ट करिबा मात्र के व्यर्थ को स्टॉप करिबा मात्र के स्टॉप अर्थात बंद होइचबा दरकार जेते बेले स्टॉप करिबार शक्ति आसीबा सेते बेले जहां सब पुरुणा खातार स्टॉक रहिचे से गुडी को समाप्त होइचबा एतिक शक्ति रहिबा दरकार तुमर यह हूँ परमात्मा सिद्धि रिद्धि सिद्धि वाला अल्पकाल चमत्कार देखाई था किंतु तुम्हें परमात्मा सिद्धि प्राप्त करुवा आत्मा मान विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करला वाला अट तेबे परमात्मा सिद्धि कौन न करि परिबो स्टॉप भाविया मात्र के स्टॉप हो जाते शक्ति अच्छी ना स्टॉप करने दिने दुई दिन चले लगि जा घंटाए ठारु नहीं दस घंटा लगि जा स्टॉप माने स्टॉप तेबे यार प्रमाण बाबा को देवाक हेबो।
बुझी पारिलो सेवार सफलता बा प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ी चलिबो एबे बढ़ी चली ना पूर्वर तुम्हें निमंत्रण देउथिलो एबे सेमाने तुमको निमंत्रण देउछन्ति तेणु सेवार सफलता प्रत्यक्षता होउछि ना तुम मान कौन डिग्री बा पोजिशन मिलबार आवश्यकता नाही किंतु यह तुम मानकर सेवार प्रत्यक्षता भगवान कर डिग्री निकट रे डिग्री गुड़िकर मूल्य कौन तो उदयपुर विश्वविद्यालय दादाजी को डॉक्टरेट डिग्री प्रदान करिछि तेबे यह मध्य प्रत्यक्षतार प्रमाण अटे साधन गुड़िक द्वारा मध्य प्रत्यक्षता होछि आग को गले तैयारी होइथिबा स्टेज मध्य मिल जिबा एभले दिन मध्य आसीबा जेतेबेले एही धर्म नेता माने मध्य तुमको निमंत्रण करी मुख्य अतिथि करिबे एबे टिके बाह्य रूप रे खातिर हेबा उद्देश्य रे सेमानको आगो को रखिबा को पडुछि किंतु सेमानको भितरे भितरे हृदबोध मध्य करुछन्ते जेहि पवित्र आत्मा मानको उच्च आसन मिलबा दरकार राजनेता माने तो कहि देउछन्ते आमको मुख्य अतिथि न करी आपण माने होइथिले बहुत भलो होइथांता किंतु ड्रामा अनुसार नाम से मानकर किंतु काम तुम मानकर हो जाउछि सेबारे जो अनुसार प्रत्यक्षता हो चली अनुसार सेवार विधि मध्य परिवर्तन हो चली एभली समस्त निज भीतर संपूर्णता एवं संपन्नतार प्रत्यक्षता कर वर्तमान यार आवश्यकता रही निश्चित सफल हेब तुम मानकर कल्प कल्पर स्मारकी प्रमाणित करुछि जे सफलता जेपरिके मिल सारी एही विजयमाला कौन अटे विजयी होइथिला सफलता मुहूर्त होइथिला सेथिपाई तो स्मारकी तैयारी होइछि ना भविष्यत रे एही निर्धार्य को केही टाळी परिबे नाही केही केबे भी भाबुथाउ जे एबे सुद्धा तो एत्ते आत्मा प्रस्तुत होइनांथि एबे तो एठारे छोटो मोटो विश्रुंखला मध्ये आउछि तुम मानको ए सब कथार मुंड खराब करबा दरकार नाही यही स्मारकी गुड़िक कल्प कल्पर ग्यारंटी अटे कौन हेब किपर हेब एभली प्रश्न उठाइबार मध्य आवश्यकता नाही निश्चित हेब यही सुनिश्चित भविष्य को कही टाळी दे पारिबे नाही जदि नाव एवं नाउरिया मजबूत थिबो तबे कौनसी भी तोफान आग को बढ़िबार आधार होइछिबो तोफान मध्य तोफा अर्थात उपहार पलटि जिवो सेतिपई मझरे मझरे एभली छोट छोट नाटक अर्थात घटना सब छोट घटना सब होइ चली किंतु अटल भविष्य निर्धार्य अनुसार विजय सुनिश्चित अटे एति के निश्चय अच्छे तो ना केबे जदि दुनिया टिके तल उपर स्थिति देखुछ तेबे विचलित हो पड़ुछ किए जाने किपर हेब केबे हेब प्रश्नवाचक चिन्ह आसी जाउछि एही तोफान गुड़िक ही तुमपाई तोफा हो बुझी पारल यहाँ कहुए निश्चय बुद्धि विजयी केवल फल फातर कर समस्त अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा मान को सर्वदा सर्वसंपत्ति को सफल करुवा सफलता मुरत आत्मा मान को सर्वदा ब्रह्मा बाबा को प्रतिपादर सहजरे अनुसरण करुवा सर्वदा नुआ जीवन एवं नुआ जुगर स्मृति रोकवा समर्थ आत्मा मान को सर्वदा निज भितर बाबा स्नेहर प्रमाण गुड़ी प्रत्यक्ष करुवा विशेष आत्मा मान को श्रेष्ठ परिवर्तन तथा अव्यक्त वर्षर अभिनंदन शुभेच्छा एवं नमस्ते दादी मानक सहित साक्षात ड्रामार दृश्य को देख हर्षित होना बाहा ड्रामा बा बाहा बाबा बाहा यह गीत अनादि अविनाशी भाव बाजी आसुची पिला माने बाबा को एवं बाबा पिला मानको अर्थात शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करुछन्ति सेवा बहुत भल है सेवार नुआ रूपरेखा तो निश्चित हेब समस्त मुखर यह सर्वदा बाबा बाबा शब्द बाहर था कहीं विश्व पिता अटंती ना तेरे ब्राह्मण आत्मा मान अंतरु मुखर बाबा शब्द तो निश्चित बाहर किंतु सर्व आत्मा हृदय व मुखर बाबा शब्द बाहर तेरे जाए तो समाप्ति हेब ना चाहे अह प्रभु रूप से बाहर बाहा बाबा बाहर रूप से बाहर किंतु बाबा शब्दर परिचय तो निश्चित मिलिबो तबे वर्तमान एभली सेवार साधन को अनुभव तो करिलो जे गोटे बड़ा माइक केते सेवा करि परिबो तो संदेश देवार कार्य तो हो जाउछि ना तेणु एबे आहुरी माइक बाहर करिबा कहबो ये अर्थात राजस्थान राज्यपाल डॉक्टर एन एम चिन्ना रेड्डी तो सांपुल अटंती ना पुणी
भी माइक आत्मा बाहर करिवार भारत नंबर नहीं गला ना ये आहुरी बाहर करिबा को हेबो राजस्थान रे एही माइक को आबू निवासी पिला माने बाहर करिछंती राजस्थान वाला नुहंती तीरत सबुठारु ही लागी थिला ना। अच्छा बरदान परमात्मा स्नेह एवं अधिकार अलौकिक खुशी व निशा रहुथिबा सर्वप्राप्ति संपन्न आत्मा हुआ जो पिला माने बाबांक साथीरे सर्वदा जुगल रूप रही स्नेहर सहित कहिदे थांती मेरा बाबा सही मानको ही परमात्मा अधिकार प्राप्त होइथाय बेहद्र दाता से मानको सर्व प्राप्तिर संपन्न कर दियंती से माने तीन लोकर अधिकारी होइ जानती पुणी ए गीत गाई थांती जहाँ पाइबार थिला ताहा पाई गली आउ किछि भी पाइबार नाही से मानको एक क्वेश्चन मार ग्यारंटी कार्ड मिल जाए तेणु सर्वदा ही अलौकिक खुशी एवं निशा रुह जे मोते सब किछि मिल जाइछि। स्लोगान साधन गुड़िकर आधार उपरे साधना निर्भर न करो साधन साधनारे विघ्न रूप न हो। अच्छा ओम शांति।